अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मदीना पाक में हैं और आज हम जा रहे हैं मदीना पाक की में जो ज्यारतें हैं वो ज्यारतें करने के लिए हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोग भी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तमाम ज्यारतें इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसको कवर कर सकें, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम लोग इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा का आप नज़ारा देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये अभी हम लोग मस्जिद कुबा में जा रहे हैं और यहाँ पर दो रकात नफिल पढ़ने वालों को मकबूल उम्रे की इजाज़त हासिल होती है। और आप माशाल्लाह देख सकते हैं मस्जिद कुबा, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है और अभी इंशाल्लाह इधर जाके हम दो रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद अभी पाक में मस्जिद कुबा। जी दोस्तों माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा का मंजर। यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे। माशाल्लाह दोस्तों यहाँ से जेंट्स का रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। माशाल्लाह मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, यहाँ पर दो रकात नमाज नफल अदा करने पर उम्रे का सवाब है। देख सकते हैं यहाँ से अंदर जाएंगे। स्लीपर्स अपने यहाँ पे हम रख देते हैं। दोस्तों माशाल्लाह मेन हॉल है मस्जिद का, यहाँ हम दो रकात नमाज नफिल और उसके बाद दो रकात नमाज नफिल छुपाने के अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्लो करम से हमने नमाज नफिल अदा कर ली है और दो रकात नमाज नफिल अदा कर ली थी यहाँ पर। और शुक्राने की भी जब आप आएँ तो शुक्राने की भी अदा करें और दो रकात नफिल जो इधर अदा करते हैं उम्रे के हवाले से वो हमने किए। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं मस्जिद का मंज़र, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मस्जिद देख सकते हैं मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद जिसने यहाँ दो रकात नमाज नफिल अदा की, उसने उम्रे की सआदत हासिल की, सुभान अल्लाह। ये हम नफल अदा करके बस बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अगली ज़ियारत की तरफ आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये मस्जिद है जहाँ पे इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ा गया था और ये इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद जुम्मा है। इस्लाम का पहला जुम्मा जो है वो इधर जुम्मे की नमाज हुई थी, ये आप सामने देख सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की वो भी बड़ा बदमाश है। तीसरा जिस आज भी दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है इसी जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ऊंटनी के नाम पर मदरसा तामीर किया, मदारस कसवातुल अहल। आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो कसरा के आगे जो कुछ भी रखते वो ठुकरा देती, खाना पीना चारा सब कुछ। इतना रोई के उसकी बिनाई चली गई और वो भी 10 रोज के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हुई। जाकरम ज्यारत नजर आई, सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि एक सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो अरबी घोड़ा 70 साल तक दौड़ता रहे तो
जी तो दोस्तों माशाल्लाह अभी हम लोग मस्जिद क़िबलतैन में आए हैं और इसको इस मस्जिद को कहते हैं दो क़िबलों वाली मस्जिद, मस्जिद क़िबलतैन। तो यहाँ भी इंशाल्लाह दो रकात नमाज नफिल अदा करेंगे और अभी अंदर चलते हैं इंशाल्लाह और मस्जिद क़िबलतैन में दो रकात नमाज नफिल अदा करते हैं। ये अंदर इंटर होके ऊपर जाने का रास्ता है मस्जिद से, आप देख सकते हैं मस्जिद क़िबलतैन में ऊपर जा रहे हैं जहाँ नमाज अदा करेंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दो रकात नमाज नफिल हम अदा कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये किबला आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो किबलों वाली मस्जिद को कहा जाता है। पहले इस तरफ नमाज पढ़ी जाती थी तो जब हुक्म हुआ तो मस्जिदुल हरम की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ हम किबला रुख होकर नमाज पढ़ने लगे, इस वजह से इसे दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं एक किबला आपको ऊपर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बनाया है निशानी के तौर पर। पहले इधर इस तरफ नमाज पढ़ी जाती थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर इस तरफ फेरा तो पूरी उम्र जो है वो खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी दो रकात नमाज पैदा किए हैं। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अल्लाह पाक दोबारा और हम सबको बार बार इधर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों माशाल्लाह आपने देखा ये मस्जिद क़िबलतैन जहाँ पे हमने दो रकात नमाज नफिल अदा की, इसे दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया किबला जो है वो जिस तरफ बैक साइड मैंने आपको दिखाया ऊपर, वो मस्जिद अक्सा की तरफ वो रुख है। और पहले किबला अव्वल जो हम जहाँ तमाम मुसलमान बहन भाई जहाँ जिस तरफ रुख होकर नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन जब हुक्म हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब रुख अनवर खाने काबा की तरफ किया तो हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को हुक्म हुआ कि ये अब हम अब जो है जितने भी ताक़यामत लोग नमाज अदा करेंगे वो खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी सआदत वाली बात है, अल्लाह ताला आप सबको ये सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको बार बार उम्रे की हज की सआदत नसीब फरमाए। तो इधर मस्जिद क़िबलतैन भी आप आएँ और यहाँ आके दो रकात नमाज नफिल अदा करें और वो दो किबलों वाली मस्जिद, ये दो किबले हैं जो जहाँ पर निशान मतलब आपको दिखेगा कि ऊपर दिखाया जा रहा है कि पहले इस तरफ रुख होकर नमाज पढ़ते थे और जब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब रुखे अनवर अपना काबतुल्ला शरीफ की तरफ किया तो हम पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान बहन भाई रहते हैं वो किबले की तरफ काबतुल्ला शरीफ की तरफ होकर नमाज अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह ओहद सोहद का पहाड़ है, जन्नत का पहाड़ इसे कहा जाता है। सूट पहनते जो एक मरतबा पहनते दूसरी मरतबा उसको हाथ न लगे, खुशबू इतनी अच्छी लगाते कि लोग घरों में बैठकर यही कहते कि इस गली से महल्ले से मस्सा बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने गुजर होंगे। लेकिन जैसे आपने इस्लाम को कहा कि आपके वालिदैन ने आपसे सब कुछ वापस ले लिया, फिर भी आप अपने पीछे से खालिद बिन वलीद जो कुफार की कयादत कर रहे थे हमला कर दिया और 40 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए। इस जंग में मुसलमानों को बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ा और चार करम याद रखे उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद। दोस्तों अभी हम लोग हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ा अकदस के पास जा रहे हैं तो सलाम भी पेश करेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी सलाम पेश करें वीडियो देखते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सआदत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा अकदस।
दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व असहाबिक या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलाम या अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आप देख सकते हैं, ये रोज़ा अक़दस हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सलाम पेश भी कर रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे होंगे ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी तो दोस्तों माशाल्लाह ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।